नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। हम जो सीरीज स्टार्ट की हुई है वो डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर 2019 का सॉल्यूशन, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे। तो पिछली 4-5 वीडियो में मैं 31 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, टोटल 100 क्वेश्चन आए थे। तो आज मैं DLD दैट इज द डिजिटल लॉजिक डिजाइन, ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे हम। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी बोल देते हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम के अंदर वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो को सुनिएगा। तो देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, और जो सीरीज चल रही है 31 हो चुके हैं, तो 32 मैंने क्वेश्चन नंबर डाला हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे पहले क्या लिखा हुआ है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी कोड फॉर डेसिमल डिजिट आर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री। जो मेन पॉइंट है वो है सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग। तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कौन कौन से बाइनरी कोड हमारे हैं, वो 8421 कोड, 2421, XS3 और XS3 ग्रे कोड। तो इसको समझाने से पहले मैंने यहां पर टेबल बनाई हुई है, इस टेबल को आप एक बार देख लीजिए, इसी में पूरा का पूरा मीनिंग छुपा हुआ है, जो एक्सप्लेनेशन में मैंने यहां पर दिया हुआ है। देखिए डेसिमल डिजिट 0 to 9 मैंने यहां पर लिखी हुई है, ठीक है, और 2421 कोड ऑप्शन में आया हुआ है, 2421 कोड, ये 2421 कोड बनाया हुआ है, XS3 कोड ऑप्शन में आया हुआ है, XS3 कोड लिखा हुआ है, 8421 कोड जो ऑप्शन में आया हुआ है उसको मैंने लिखा है। देखिए 2421 कोड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2421 जैसे 0 डेसिमल डिजिट है, तो 0 कोई भी नंबर नहीं है, तो चारों की चारों बिट क्या हो जाएगी, 0000, ठीक है जी। 1 जो है यहां पर इस पोजीशन पे आया हुआ है, तो इसको हम 1 कर देंगे, बाकी पोजीशन को 0000 कर देंगे। इसी तरह से 2 इस पोजीशन में आया हुआ है, ध्यान रखना हमेशा हम ट्राई करते हैं, जो ये 2421 है 2 बार 2 आया हुआ है, तो MSB बिट को ना रिप्रेजेंट करके हम LSB बिट में ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो यहां पर 1 लिखा जाएगा और बाकी में 0000 आ जाएगा। 3 जो है 2+1 का सम है, तो 1 1 यहां पर आ जाएगा, 0000 यहां आ जाएगा। 4 जो है यहां पर आया हुआ है इस पोजीशन पे हम 1 लिख देंगे और बाकी सब में 0000। इस तरह से हम कोड को जनरेट करते हैं। XS3 कोड आपको मैं बता दूं, जैसे 0 का XS3 कोड, XS3 में क्या होता है, XS3 कर देते हैं हम, हर एक नंबर में 3 ऐड कर देते हैं, तो 0+3 कितना आ जाएगा, 3। तो 3 का जो बाइनरी नंबर होता है, 8421 कोड से हम रिप्रेजेंट करते हैं, 3 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 2 1 की जगह 1 1 आ जाएगा और बाकी जो सबको 0000, तो 0011 ये नंबर आ जाएगा 0 के कॉरस्पॉन्डिंग। इसी तरह से 1 1 में अगर हम +3 कर दें तो क्या आ जाएगा, 4। तो 4 कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड बिट पे 1 आ जाएगा और बाकी पे 0000। इस तरह से हम बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इसको जनरेट करते जाते हैं, ठीक है जी। और 8421 कोड तो मैंने अभी आपको बताया, कोई भी नंबर है 00 तो 00 आ जाएगा, 1 लास्ट बिट पे 1 आया हुआ है तो 1 यहाँ लिख देंगे बाकी को 0, 2 सेकंड बिट पे 2 आया हुआ है तो यहां पर 1 लिख देंगे और बाकी को 00। इस तरह से हम टेबल ये जनरेट कर रहे हैं, क्लियर। टेबल मैंने समझा दी है बहुत इजी वे में। अब देखते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग का मतलब क्या होता है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग का मतलब होता है जो फर्स्ट नंबर है उसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करूं तो लास्ट नंबर आना चाहिए, ठीक है। जैसे 0000 का अगर कॉम्प्लीमेंट करें हम तो क्या आ जाएगा, 1111। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, लास्ट वाला। सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग का मतलब होता है 0 का कॉम्प्लीमेंट लास्ट नंबर आना चाहिए, सेकंड वाले का कॉम्प्लीमेंट सेकंड लास्ट आना चाहिए, थर्ड वाले का कॉम्प्लीमेंट नीचे से अगर देखें तो थर्ड पोजीशन पे आना चाहिए। इस तरह से 2421 कोड हमारा क्या हो जाएगा, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आप देख सकते हो 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाइनरी नंबर से, इसका कॉम्प्लीमेंट करें तो 1111 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 0001 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1110, तो दैट इज द सेल्फ कॉम्प्लीमेंट। सेम ईयर XS3 को अगर हम देखें, 0011 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1100, ये कि लास्ट में है, बिल्कुल है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1011, क्या ये सेकेंड लास्ट में है, बिल्कुल है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग हो जाएगा, क्लियर। 8421 कोड अगर हम देखें, सेम ईयर 10000 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1111, क्या ये लास्ट में है, नहीं है, तो ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग नहीं होगा। तो दो हमारे सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग होंगे, XS3 ग्रे कोड कोई भी
नंबर या कोई भी बाइनरी कोड नहीं होता है, तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2421 हो जाएगा और एक्सेस 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका बी। बी एंड सी दोनों के दोनों करेक्ट है, तो बी एंड सी दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत इजी वे में, मैं सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करता जाऊंगा। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसका सेकंड क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, बहुत इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए बुलियन वेरिएबल इसने पूछा हुआ है, ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है इज अनअफेक्टेड। देखिए यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है अनअफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ बुलियन वेरिएबल। ऐसा कौन सा यहां पर बुलियन वेरिएबल है जो कि अनअफेक्टेड है इस एक्सप्रेशन के लिए, तो ये क्वेश्चन इसने पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे, पहले एक्सप्रेशन को मैं लिख लेता हूं ए बी। देखिए दोनों मेथड से हम कर सकते हैं। पहला मेथड है के मैप। के मैप अगर आपको आता है तो बहुत इजी वे में कर लोगे, और आपको अगर मिनिमाइज इसको सिंपल एक्सप्रेशन से कर सकते हो तो भी आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर सिंपल सा मेथड बता रहा हूं, जैसे कि यहां पर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आ जाएगा बी प्लस बी बार। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है सी, तो यहां पर ए बार प्लस ए इंटू में सी, ठीक है जी। तो एक प्रॉपर्टी होती है ए प्लस ए बार किसके इक्विवेलेंट होता है आपका, वन के, क्योंकि ए की वैल्यू अगर वन रखते हो तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जीरो, जिसका रिजल्ट वन आएगा। अगर ए की वैल्यू जीरो रख रहे हो तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वन, जिसका रिजल्ट भी वन आएगा। तो इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा रिजल्ट वन वन आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये एक्सप्रेशन हमेशा प्रॉपर्टी फुलफिल करेगी। तो यहां पर ये जो वैल्यू आ रही है ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, वन के। तो यहां आ जाएगा ए इनटू वन ए, ए बार प्लस ए दैट इज अगेन ये किसके रिजल्ट के इक्विवेलेंट होगा, वन के, वन इंटू सी दैट इज ए प्लस सी। ये एक्सप्रेशन आपका रिजल्टेंट में आ चुका है। तो इसमें अगर देखें हम तो तीन वेरिएबल थे, यहां पर ऑप्शन में क्या पूछा हुआ है, कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो अनअफेक्टेड है, मतलब जो फ्री है। ए प्लस सी तो आया हुआ है मगर इसके अंदर बी जो है वो फ्री वेरिएबल है, फ्री मतलब इसमें बी वेरिएबल नहीं आया हुआ, ये इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अनअफेक्टेड का मतलब है जो कि फ्री है, इस एक्सप्रेशन में रिजल्ट में नहीं आया हुआ, दैट इज द मिनिमाइजेशन एक्सप्रेशन फॉर द क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर हम इस टाइप से इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है जो कि जनरली एग्जाम में आता ही आता है, नेट के एग्जाम में या किसी भी टाइप के आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत ही जरूरी है ये वाला क्वेश्चन समझना, क्योंकि ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड है जिसमें हम कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को यहां पर हम सॉल्व करेंगे। देखिए जब हम कन्वर्जन अप्लाई करते हैं तो कन्वर्जन के लिए आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जब कभी भी हम कोई भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमेशा जो बेस है बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक अगर मैं कहूं तो यहां पर मान लीजिए 110 ये नंबर दिया हुआ है और ये नंबर क्या है, बाइनरी नंबर है। अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो क्या करोगे आप क्या करते हो, जो एलएसबी बिट है वहां से स्टार्ट करते हो, 0 इंटू में 2 रेस्ट टू पावर 0 प्लस नेक्स्ट बिट है 1 इंटू में 2 रेस्ट टू पावर 1 प्लस नेक्स्ट बिट है 1 इंटू में 2 रेस्ट टू पावर 2। इस तरह से आप एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हो, समझ में आ रहा है। तो एलएसबी बिट को मल्टीप्लाई करोगे 2 रेस्ट टू पावर 0 से प्लस नेक्स्ट बिट को रिप्रेजेंट करोगे मल्टीप्लाई विद 2 रेस्ट टू पावर 1। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यही चीज मैं आपको यहां पर समझाना चाह रहा हूं, इसको अगर मैं यहां पर इवेल्यूएट करूंगा, ठीक है, वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा, तो यहां पर पूछा क्या हुआ है, एक इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन में इसने पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, मतलब ये जो बी वैल्यू दी हुई है यहां पर इसकी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना, ठीक है जी। तो कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सिंपल इसी वे में हम सोल्व करेंगे। जो एलएसबी बिट है वो है 2 इंटू में क्या हो जाएगा बी की पावर 0 प्लस नेक्स्ट बिट है 4 इंटू में बी की पावर 1 प्लस 1 इंटू में बी की पावर 2, क्लियर है। इस टाइप से हम एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। प्लस नेक्स्ट है प्लस, इसको भी हम इस तरह से सोल्व करेंगे, इसका बेस क्या दिया हुआ है बी माइनस 2, ये ध्यान रखना है बेस है बी माइनस 2। तो एलएसबी बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, एलएसबी बिट को पहले करेंगे 2 इंटू में बी माइनस 2 की पावर 0 प्लस नेक्स्ट बिट है 1
वन इंटू में बी रेस्ट बी माइनस टू रेस्ट पावर वन प्लस नेक्स्ट बिट है वन इंटू में बी माइनस टू की पावर टू। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इक्वल टू, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं इक्वल टू के बाद फाइव इंटू में एट रेस्ट पावर जीरो, बेस जो है उसकी पावर जीरो प्लस जो भी बिट है सेवन इंटू में एट रेस्ट पावर वन। ठीक है जी, इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे बहुत इजी वे में और इसको इवेल्यूएट करते जाएंगे। बस अब किसी की पावर जीरो हो तो वो क्या हो जाता है वन, तो टू इंटू बी रेस्ट पावर जीरो दैट इज टू प्लस फोर इंटू बी रेस्ट पावर वन फोर बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस इसको सोल्व करेंगे बी माइनस टू रेस्ट पावर टू प्लस बी माइनस टू प्लस टू इंटू में बी माइनस टू की पावर जीरो वन होता है तो दैट इज इक्वल टू एट सेवन जाओ फिफ्टी सिक्स प्लस किसी की पावर जीरो हो तो वो वन हो जाता है तो फाइव इंटू वन इज फाइव। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बहुत सिंपल वे में, इसका रिजल्ट आ चुका है, अब इसको बस इवेल्यूट करना है आपको। तो देखिए बी स्क्वेयर प्लस फोर बी, बस इसको मैं लिख रहा हूँ सिंपल वे में, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का स्क्वेयर दैट इज बी स्क्वेयर प्लस फोर माइनस फोर बी। ठीक है, ये होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी। ठीक है जी, प्लस बी माइनस टू प्लस टू दैट इज इक्वल टू सिक्सटी वन। तो देखिए फोर बी से फोर बी कैंसिल, ये माइनस है ये प्लस है और यहाँ पर माइनस टू प्लस टू। ठीक है जी, बस इसको सिंपल वे में ये बी स्क्वेयर है ये भी बी स्क्वेयर है तो क्या आ जाएगा टू बी स्क्वेयर प्लस टू प्लस फोर सिक्स हो गया, मगर यहाँ पर बी था तो प्लस बी प्लस सिक्स इक्वल टू सिक्सटी वन। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा टू बी स्क्वेयर प्लस बी, सिक्सटी वन को यहाँ ले आएंगे तो माइनस फिफ्टी फाइव रह गया इक्वल टू जीरो। ये एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन कर लेंगे, टू यहाँ पर है इंटू में फिफ्टी फाइव तो वन वन जीरो, तो इसके फैक्टर बनेंगे इलेवन और टेन। तो यहाँ आ जाएगा टू बी स्क्वेयर प्लस, अगर हम देखें यहाँ पर माइनस लिख लेंगे हम, माइनस टेन बी प्लस इलेवन बी, दोनों को अगर मैं रिजल्ट देखूँ तो बी आ जाएगा माइनस फिफ्टी फाइव। सिंपल सा हम इस एक्सप्रेशन को ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन हम इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर देखें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है टू बी, तो यहाँ आ जाएगा बी माइनस फाइव प्लस इलेवन बी माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो ये रिजल्ट आ जाएगा बी माइनस फाइव इंटू में टू बी प्लस इलेवन। तो आप देख सकते हो b माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो b की वैल्यू आ जाएगी फाइव और दूसरा आ जाएगा टू बी प्लस इलेवन इक्वल टू जीरो, टू बी इक्वल टू माइनस इलेवन एंड b इक्वल टू माइनस इलेवन बाई टू। इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि कभी भी बेस नेगेटिव नहीं आता, तो b की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पर फाइव, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे डीएलडी के क्वेश्चन आए हुए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम इस वीडियो में डीएलडी के क्वेश्चन जो आए हुए थे उसके बाद आपके जो क्वेश्चन आए हुए थे वो थे डिस्क्रीट के, तो वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो देखते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के। देखिए ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है ग्रुप की, यहां पर पूछा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ ए इज ग्रुप ऑफ दिस वन इज ऑर्डर ऑफ एन एंड ए क्या है दैट इज एन एलिमेंट बिलोंग्स टू द ग्रुप। ग्रुप के अंदर चार प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी होना चाहिए आपका, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी होनी चाहिए और उसके बाद होता है इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए हर एक एलिमेंट के लिए, क्लोजर होना चाहिए और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट होनी चाहिए। तो चार प्रॉपर्टी आपकी हमेशा ग्रुप के अंदर सेटिस्फाई करती है, ए इज एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप ऑर्डर ऑफ एन एंड ए बिलोंग्स टू द ग्रुप इन सच वे दैट ए रेस्ट टू पावर एम, मतलब ये क्या कह रहा है, ये प्रॉपर्टी होती है बेसिकली ग्रुप के अंदर, वो क्या कहता है कोई भी एलिमेंट की पावर आप बढ़ाते जाओ, कब तक बढ़ाते जाओगे जब तक उसकी वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल ना आ जाए, उसकी वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल ना आ जाए तब तक हम m की वैल्यू पावर को इंक्रीज करते जाएंगे, फॉर सम इंटीजर m इज लेस देन इक्वल टू n, ये ध्यान रखना है जो ऑर्डर है उससे कम होना चाहिए m की वैल्यू, देन m मस्ट बी डिवाइड n, फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू है 4 और m की वैल्यू आ गई a की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 1,
तो आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, टू जो है वो फोर से डिवाइड हो रहा है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है जो कि बिल्कुल करेक्ट प्रॉपर्टी है हमारी ग्रुप के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी, इफ ए ग्रुप इज ऑफ इवन ऑर्डर, देखिए यहां पर ऑर्डर की वैल्यू इवन भी हो सकती है और ऑड भी हो सकती है, मगर यहां पर क्वेश्चन में मेंशन है कि अगर ग्रुप की वैल्यू ऑर्डर जो है वो इवन है, देन देयर मस्ट बी एन एलिमेंट, एंड एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और वो एक एलिमेंट है दैट इज बिलोंग्स टू द ग्रुप जी इन सच वे दैट जो एलिमेंट है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा। ई का मतलब है आइडेंटिटी, एंड जो उसका हम रिजल्ट निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये बता रहा है, ये होता है इनवर्स के लिए प्रॉपर्टी। इनवर्स क्या होती है, ए इंटू में ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो जो एलिमेंट है उसका इनवर्स भी वही एलिमेंट होगा। ए इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मतलब ए मतलब जैसे मान लीजिए मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है तो उसमें क्या होता है, वन इंटू वन दैट इज इक्वल टू वन, यही होता है। तो वन का इनवर्स क्या होता है, वन। इसी तरह से माइनस वन है, मान लीजिए माइनस वन का मल्टीप्लाई माइनस वन करें तो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा, तो माइनस वन का इनवर्स क्या हो गया, माइनस वन। इसी तरह से ये कह रहा है जो भी एलिमेंट है उसका इनवर्स वही होगा, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है आपकी इवन ऑर्डर के लिए। तो दोनों की दोनों, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है आपको इस क्वेश्चन में किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जनरली किसी भी टाइप से ये क्वेश्चन को बना देते हैं, तो रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन है। रिलेशन में हमेशा नेट के अंदर या कोई भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एचएससी पीजीटी में भी हमने देखा था रिलेशन के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था और गेट के अंदर भी ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टी का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है पी, एक कोई भी सेट माना है इसने, दैट इज अ सेट ऑफ ऑल पीपल, पी जो है वो सेट ऑफ ऑल पीपल है, लेट आर जो है दैट इज ए बाइनरी रिलेशन ऑन पी, पी एक सेट है, आर जो है वो रिलेशन है जो कि हम पी के ऊपर अप्लाई करेंगे, मगर उसके अंदर जो अप्लाई करेंगे जो रिलेशन तैयार होके आएगा वो कैसे बनेगा, सच दैट ए कोमा बी, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हम रिलेशन में लिखते हैं, रिलेशन के अंदर वो कब होगा, जब उसकी कंडीशन ये फुलफिल करेगी, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, ये ध्यान रखना ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, ये कंडीशन फुलफिल करेगी तो ही हमारा ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर आएगा जो कि सेट के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है जी। तो यहां पर ये कहा इज आर दैट इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस एंड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, इन चारों में से कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा ये कंडीशन, ठीक है। तो यहां पर चारों के कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, पहला है सिमेट्रिक, दूसरा है ट्रांजिटिव, तीसरा है इक्विवेलेंस और चौथा है पार्शियल ऑर्डर। तो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव अगर आपके पास आंसर मिल गया तो ऑलमोस्ट आप इक्विवेलेंस और पार्शियल ऑर्डर फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है जी। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे देखते हैं। देखिए सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है, सिमेट्रिक का पहले मैं मीनिंग बता रहा हूं, अगर ए कोमा बी, इफ ए कोमा बी रिलेशन के अंदर है, देन अगर है, इफ का मतलब है अगर ये है तो बी कोमा ए भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है आपकी सिमेट्रिक की, जो डेफिनेशन है सिंपल वे में मैं बता रहा हूं, अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ द सिमेट्रिक, ठीक है। तो अब देखिए इसको रिलेट करते हैं, इसके अंदर ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी दैट मीन्स ए बी बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर, मगर इसका मीनिंग क्या है, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, तो क्या बी कोमा ए भी एग्जिस्ट करेगा, क्या एवरी केस में बी कोमा ए एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन्स बी इज ए ब्रदर ऑफ ए, यही मीनिंग हुआ, ठीक है। तो यहां पर क्या ये वैलिड है स्टेटमेंट, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, आप समझिए पॉइंट को। अगर ए इज ए ब्रदर ऑफ बी है, ए मेल है, इज ए ब्रदर ऑफ बी, तो बी जो है वो फीमेल भी हो सकती है, तो बी इज ए सिस्टर ऑफ ए हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता बी क्या है, बी मेल है या फीमेल है हमें नहीं पता, तो बी इज ए सिस्टर ऑफ ए और इट मे बी बी इज ए ब्रदर ऑफ ए, तो जहां पर भी मे बी आ जाए, कोई भी नेगेटिव सेंस आ जाए, तो हम करेक्ट वे में नहीं बता सकते, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करेगा, तो सिमेट्रिक तो हमारा डेफिनेटली क्या हो जाएगा इसमें, नो, क्लियर है। तो नो अगर हो गया तो चारों में ही नो ऑप्शन दे रखा है, तो सिमेट्रिक तो आप चेक करो या ना करो कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद है ट्रांजिटिव,
ट्रांजिटिव को चेक करेंगे हम। ट्रांजिटिव के अंदर क्या होती है? ट्रांजिटिव के अंदर होता है अगर ए कोमा बी रिलेशन में है एंड बी कोमा सी रिलेशन के अंदर है तो ए कोमा सी भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी इफ दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ए इज ए ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज ए ब्रदर ऑफ सी। तो क्या ए इज ए ब्रदर ऑफ सी होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि ए से हमें पता चल गया ये मेल है। अगर ये प्रॉपर्टी है तो ए इज ए मेल, और यहां से पता चल गया बी इज ए मेल। समझ में आ रहा है? तो ए इज ए ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज ए ब्रदर ऑफ सी, तो डेफिनेटली सी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है यहां पर। ए इज ए ब्रदर ऑफ सी होगा, बिल्कुल होगा ये पॉइंट, क्योंकि ए हमें पता चल गया है कि मेल है। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो ही तो ये एग्जिस्ट करेगा, तो ट्रांजिटिव तो डेफिनेटली इसके अंदर होगा ही होगा। ठीक है, तो ए और बी हमारा इनकरेक्ट हो गया। इसमें हमें दो चीज पता चल गई कि नो यस नो यस, ये चीज हमारा सेकंड वाला क्या हो गया है? यस हो गया। ठीक है जी, तो हमारे पास दो ऑप्शन इनकरेक्ट मिल चुके हैं। क्लियर? इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहता है? इक्विवेलेंस रिलेशन कहता है कि कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? वो तब होगा उसमें तीन प्रॉपर्टी फुलफिल करेगी। ठीक है जी, तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी? पहली, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। ठीक है जी, दूसरा सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो ही हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इस क्वेश्चन में हमने देखा सिमेट्रिक तो है ही नहीं, यहां पर ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो तीसरा हमें चेक ही नहीं करना। जब तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही तो इक्विवेलेंस नहीं होगा, ये हमें क्लियर है। तो इक्विवेलेंस नहीं होगा इसका मतलब है कि ये डेफिनेटली ये ऑप्शन करेक्ट होगा, तो चौथा हमें चेक ही नहीं करना है। हमें तीसरा नो मिल चुका है, तो इसका मतलब है थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में यस है। यस तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है सिमेट्रिक नहीं है। तीनों प्रॉपर्टी में कोई भी एक अगर नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होता है। तो इक्विवेलेंस क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट? नो। नो आते ही चौथा ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो हमें फोर्थ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन चेक ही नहीं करना है। ठीक है जी, इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत इजी वे में हम इसका रिजल्ट निकालते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अगेन यहां पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो पोसेट से रिलेटेड है। जनरली पोसेट और रिलेशन का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता ही आता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम। यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है जीएलबी, दैट इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। पहले लोअर बाउंड निकालेंगे फिर ग्रेटेस्ट निकालेंगे। ग्रेटेस्ट और लिस्ट जब कभी भी वर्ड आ जाए तो ध्यान रखना एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब है क्या पता एक भी एलिमेंट ना हो, और क्या पता मैक्सिमम एक ही एलिमेंट हो। एटमोस्ट का मतलब ये होता है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो या लिस्ट अपर बाउंड हो, दोनों के केस में एटमोस्ट वन एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। या तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, या करेगा तो एक ही एलिमेंट करेगा। ठीक है, इसमें दो सेट दिए हुए हैं, दोनों सेट का यहां पर रिलेशन दिया हुआ है। ये जो सिंबल है ये डिविजिबिलिटी बताता है, डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वन बाय वन लेते हैं। पहला ए सेट ले लेते हैं। तो ए सेट के अंदर अगर हम देखें तो यहां पर कैसे हम पोसेट को बनाते हैं, तो देखिए लिस्ट एलिमेंट क्या होगा। यहां पर लिस्ट एलिमेंट होगा थ्री, सबसे पहले हमने थ्री बनाया। उसके बाद उससे ऊपर वाला एलिमेंट क्या होगा, यहां पर नाइन आ जाएगा। ठीक है, तो थ्री जो नाइन को डिवाइड करेगा, ध्यान रखना हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं हमेशा। ठीक है, और ये डायरेक्टेड होता है, मगर हम हैशी डायग्राम में डायरेक्शन रिमूव कर देते हैं, और वो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलता है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप चल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 12, क्या 9 से वो डिविजिबल है? डिविजिबल का मतलब है कि जिसका रिमाइंडर जीरो आए, तो 9 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो वो डिविजिबल जीरो नहीं आएगा, रिमाइंडर बचेगा कुछ ना कुछ। मगर 3 से अगर हम चेक करें तो वो 12 डिविजिबल हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो इसका हैशी डायग्राम इस शेप में बनेगा। क्लियर, अब यहां पर हमें कहीं पर भी ये नहीं दिया हुआ कि इसका एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। डिविजिबल में हम इसका अपर एलिमेंट भी निकालेंगे, तो अपर एलिमेंट 9 और 12 से अगर हम देखें कौन सा डिविजिबल होगा, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखिए 18, 9 से डिविजिबल है मगर 12 से डिविजिबल नहीं है। 18 को मल्टीप्लाई करें 36, 9 से भी डिविजिबल है 12 से भी डिविजिबल है, तो यहां पर एलिमेंट क्या आ जाएगा 36।
तो यहां हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। पहले हमें ट्राई करना है जो एलिमेंट हमारे सेट के अंदर दिए हुए हैं, उसके बाद अपर मोस्ट एलिमेंट, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है कि आपको डिविजिबिलिटी लगाना है। डिविजिबिलिटी के लिए एलिमेंट आप अपनी तरफ से एज्यूम नहीं कर सकते, जो डिविजिबल होगा वही एलिमेंट ऊपर जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है एलिमेंट सेट है हमारा, ये सेट है हमारा ए, ए के लिए हमने बना दिया। अब बी के लिए बना रहे हैं हम, बी में हमें दिया हुआ है 1, 2, 4, 5 एंड 10। तो 1, 2, 4, 5 एंड 10, तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। 1, 2 के लिए हम यहां पर ड्रॉ कर दिया मैंने, 2 ऑब्वियसली 1 से डिविजिबल होगा। फिर एलिमेंट है 4, तो 4 मैं यहां पर लिख देता हूं, क्यों, 1 से भी डिविजिबल है, देखिए 2 से डिविजिबल है तो बाय डिफॉल्ट 1 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है जी, तो ये इनडायरेक्टली डिविजिबल है 1 से, और ये 2 से डायरेक्टली डायरेक्शन बनाई हुई है तो ये डायरेक्टली डिविजिबल है। नेक्स्ट है एलिमेंट 5, क्या मैं 5 यहां लिख सकता हूं? ध्यान रखना, हमेशा ऊपर की तरफ जो एलिमेंट आप लिखते हो और लिंक अगर कर देते हो तो वो डिविजिबल हो जाता है। तो 4 जो है वो 5 का कोई रिलेशन है ही नहीं डिविजिबिलिटी का। 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। फिर हमें 5 कहां बनाना पड़ेगा? यहां पर बनाना पड़ेगा, 1 से डायरेक्टली कनेक्शन 5 का होगा। क्लियर। उसके बाद है 10, क्या 10 4 से डिविजिबल होगा? डायरेक्ट नहीं होगा, 2 से बिल्कुल होगा और 5 से भी होगा। तो 2 के लिए भी ये बन जाएगा यहां पर और 5 के लिए भी बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? जहां जहां पर भी डिविजिबल हो रहा है वहां वहां मैं ड्रॉ करता जा रहा हूं डायरेक्ट। अब 1 से डायरेक्ट नहीं बनाओगे आप, क्यों? आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 1 से 10 क्यों नहीं बनाया, क्योंकि 1 से 5 पर जा रहा है और 5 से 10 पर, मगर 2 के लिए क्यों बनाया? ये क्वेश्चन में माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2 से क्यों बनाया, 1 से क्यों नहीं बनाया, क्योंकि 2 का जो कनेक्शन है वो 4 की तरफ जा रहा है, 2 का 10 की तरफ कभी भी नहीं जा रहा, मगर 1 जो है वो इस तरफ भी जा रहा है और इस तरफ भी जा रहा है, इसीलिए हमने यहां पर 1 से कनेक्शन नहीं बनाया। ठीक है जी। नेक्स्ट एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, मगर अपर मोस्ट एलिमेंट हमें एक निकालना ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी 0 नहीं दिया हुआ, मतलब एम्प्टी नहीं दिया हुआ। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा, मिनिमम से मिनिमम, छोटे से छोटा? तो 20 एक ऐसा एलिमेंट है जो 10 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो बहुत इजी हो गया है आप क्वेश्चन हैशे डायग्राम निकालने के बाद। ये बी का आप बना चुके हो और ये ए का बन चुका है। अब आपको जीएलबी निकालना है। जीएलबी लोअर बाउंड, लोअर बाउंड में यहां पर वैल्यू क्या है? 3, और कोई नहीं है तो ग्रेटेस्ट भी 3 ही होगा। ठीक है जी। अब है एलयूबी, लिस्ट अपर बाउंड। पहले अपर बाउंड देखो, अपर बाउंड क्या है? 36, एक ही एलिमेंट है, 36 में से लिस्ट कौन सा है? 36 ही होगा। ठीक है जी। इसी तरह से यहां पर जीएलबी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, लोअर मतलब नीचे, तो 1 और 1 एक ही एलिमेंट है, इसका ग्रेटेस्ट 1 ही होगा। फिर है एलयूबी, पहले अपर बाउंड निकालेंगे। अपर बाउंड क्या है? 20, एक ही एलिमेंट है और इसका लिस्ट एलिमेंट क्या होगा? 20 ही होगा। ठीक है, तो 336, 1 और 20, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए, ए करेक्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट वे में रिजल्ट निकल के आएगा। तो होपफुली आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत इजी वे में मैं क्वेश्चंस को सोल्व करता जा रहा हूं। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है फॉर दिस वीडियो, नहीं लास्ट क्वेश्चन नहीं है ये, बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन 37 हो चुका है, 38 इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। तो 38 क्वेश्चन जो है हमारा, सेवंथ क्वेश्चन है इस वीडियो का। ये भी प्रॉपर्टी होती है हमारी, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं यहां पर। ये होता है हमारा जो क्वांटिफायर्स हम यूज करते हैं उसके अंदर कुछ प्रेडिकेट लॉजिक्स जो हम यूज करते हैं विद क्वांटिफायर, वो प्रॉपर्टी है। तो यहां पर ये पूछा हुआ है क्या कि एक्स इंटू पी एक्स, एक्स इंटू क्यू एक्स, देखिए ये एक प्रेडिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन की फॉर्म में, और ये एक वेरिएबल है। ठीक है जी, ये एक वेरिएबल है और ये फंक्शन है। तो एंड एक्स यहां पर कॉमन ले लिया, फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या ये दोनों के दोनों, क्वेश्चन में पूछा हुआ है, लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है? और रियल में ये दोनों के दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये फॉल्स है, ये प्रॉपर्टी होती है बेसिकली। आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हो कि यहां पर x कॉमन ले लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर इन दोनों को, फिर वापस इनको मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं, मगर यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है
क्या ये नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट है, मगर रियल में तो ये होते हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट है एस टू। एस टू स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो देखिए ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। एग्जिस्टेंशियल का मतलब होता है फॉर सम वैल्यू, किसी भी एक वैल्यू के लिए ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। ये एक वेरिएबल है, तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को कॉमन लिया और एक्स को हटा दिया। तो आप लॉजिकली देखो तो इसके साथ एक्स जुड़ा हुआ है, इसके साथ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जुड़ा हुआ है, मगर यहां पर देखें तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो लॉजिकली अगर हम देखें दोनों के दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, और यहां पर भी यही दिया हुआ है कि दैट इज नॉट इक्विवेलेंट, बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, लॉजिकली अगर आप देखो ये चीज इन दोनों के साथ जुड़ी हुई है, मगर यहां पर ये चीज इसके साथ जुड़ी हुई है और एक्स इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो दोनों के दोनों इक्विवेलेंट कब होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो ऑब्वियस सी बात है एस टू जो है वो करेक्ट है और एस वन जो है वो इनकरेक्ट है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो दैट इज द 8th क्वेश्चन। तो कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देखिए यहां पर भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर देयर ऑन ए सेट विद 4 एलिमेंट? देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन से होते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं आपको छोटा सा एलिमेंट एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, ठीक है, तो रिलेशन इसके कितने बन सकते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव होंगे? रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, जहां पर जितने भी एलिमेंट हैं उनका सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। जैसे कि ये इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने थे, 2 एलिमेंट थे, तो 1-1 भी होना चाहिए रिलेशन के अंदर, 2-2 भी होना चाहिए, तो उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हमें पता चल गया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते क्या है। अब क्वेश्चन में क्या है कि हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन विद एन 4 एलिमेंट, मगर यहां पर हम लेके चल रहे हैं कि 2 एलिमेंट के लिए एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है उसके रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बन सकते हैं। ठीक है, पहला रिलेशन ये बन गया। अब क्या क्या बन सकते हैं, यहां पर रिफ्लेक्सिव के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि उसका 1-1, 2-2 दो एलिमेंट है तो दोनों के लिए पेयर होना चाहिए। तो यहां पर 1, 2 मैं लिख दूं तो भी ये रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल होगा। अगर इसकी मैं पॉसिबिलिटी बना रहा हूं, 1-1, 2-2 तो होगा ही होगा, 2, 1 लिख दिया तो भी ये रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल होगा। और इसके क्या पेयर बन सकते हैं, 1-1, 2-2, 1-2, 2-1। क्या इसके अलावा कोई और पेयर बन सकता है इसका दो एलिमेंट के लिए? मेरे को नहीं लगता कि कोई और एलिमेंट और पेयर बन पाएगा। तो इसके टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन विद इन 2 एलिमेंट कितने बन गए यहां पर, 4। अगर 2 एलिमेंट है तो टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने निकल के आ रहे हैं, टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे निकल के आ रहे हैं 4। ठीक है जी, ये समझ में आ गया पॉइंट, 2 एलिमेंट के लिए अगर सेट के अंदर 2 एलिमेंट है। अब क्वेश्चन में क्या है, 4 एलिमेंट, तो उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो मैं बता देता हूं आपको, 2^n² - n। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है दैट विल बी डिराइव इन द हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, आप अप्लाई करो। यहां पर 2 एलिमेंट है, n की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2^² - 2 दैट इज इक्वल टू 2^4 - 2 = 2^2, दैट इज इक्वल टू 4। 4 ही आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल आ रहा है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 4, तो 2^4² - 4 दैट इज इक्वल टू 2^16 - 4 इज इक्वल टू 2^12। तो दैट इज राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने सोल्व कराए हैं, काफी क्वेश्चंस थे इसमें, क्योंकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नाम से पता चलता है मैथमेटिक्स है, और इसके अंदर डिजिटल लॉजिक डिजाइन, तो वहां पर डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।